and we also are joined by floor leaders of all the political parties. और इस वक्त आप ये सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपको विपक्षी दल के तमाम सांसद इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। मेरा नमस्कार और मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए, वो खुद ही आंखों से जो वहां की स्थिति को देखे हैं वो पूरा हमारे राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 500 से ज्यादा घर जलाए गए, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, तो और 60,000 लोग को रिहैबिलिटेशन दूसरे जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी परिस्थिति में वहां लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके और आर्टिकल रूल 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में एडजमेंट मोशन लाकर लोकसभा में एडजमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट करती थी, बोलने नहीं देती थी, ये एक वहां पर स्थिति बनी। और दूसरा, लोकसभा में जब एडजमेंट मोशन देख देख कर थक गए थे तो आखिरी में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और वो आज लेना था, लेकिन ये आखिरी में रखकर ये भी उन्होंने तय कर लिया है कि 8-9 दो दिन इसका बहस चले, फिर एक दिन रिप्लाई दिए और हाउस अर्जन हो जाएगा। तो मकसद क्या है, चीजों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है और आखिरी में वो रिप्लाई देकर चले जाएंगे। तो हम इसीलिए हम चाहते थे कि जल्द से जल्द उसको चर्चा में लाना चाहते थे ताकि हम उसको फिर काउंटर रिप्लाई और हमारे पास जो भी
इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते, वो भी मौका हमको मिलने वाला नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को उतना ही हमको महत्व देते हैं, यह आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस ने कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, दो मिनट में मेरा माइक बंद, दो मिनट में, दो सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते और डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत चलना नहीं चाहते। तो इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात भी हम वहां पर बताएं, जो वहां पर सरकारी मुझे कहां से वहां पर वेपन आ रहे, मुझे हमारे ललन सिंह साहब ने बताया कि जो वहां पर हजारों वेपन्स आ रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे, कहां से आ रहे, वो सब प्राइवेट लोगों के पास है। और जब दो कम्युनिटी, मैथी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था, 92 दिन हुए अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे चले जाएंगे, तो ये बड़ी दुख की बात है। और पार्लियामेंट में ये नया नहीं है, 267 या एडजमेंट मोशन ये हमेशा पहले देते गए हैं, हमारे पास मैं पढ़ के बता सकता हूं लेकिन समय की अभाव से मैं नहीं कहूंगा, 13-13, 14-14 ऐसे उदाहरण है जिसमें 267 को परमिशन दिया गया है, सारा बिजनेस स्टॉप करके डिस्कशन लिया गया है, इवन एडजमेंट मोशन को भी ऐसा ही डिस्कशन के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन ये सरकार ना डिस्कशन को अलाउ कर रही, ना किसी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ये एक। दूसरी चीज, हरियाणा में जो दंगे हो रहे हैं वो उनके आंखों के सामने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से 100 किलोमीटर भी नहीं है